हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार के नंबर वन चैनल बिहार स्टडी बोर्ड में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, इंग्लिश। इंग्लिश देखने वाले हैं जो कि 12th क्लास की है और आपको बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और आज का हमारा थर्ड चैप्टर, इससे पहले दो चैप्टर आ चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख लेना, आपको लिंक मिल जाएगा। और आज का जो टॉपिक है हमारा और जो चैप्टर का नेम है, ये है अ पिंच ऑफ स्नफ, और इसकी हिंदी है एक चुटकी। जो चुटकी होता है ना, सूंघनी, एक चुटकी सूंघनी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। पिंच का मतलब क्या होता है, चुटकी, और स्नफ का मतलब पता ही होगा आपको क्या होता है, सूंघनी। और ये समरी देखने वाले हैं हिंदी में, और इसमें मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी बताते चलूँगा, तो आप लोग बस ध्यान से पढ़ना, हेडफोन लगा लो कान में और बस बैठ जाओ, आप बेड पे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, टेबल पे बैठ जाओ, जहाँ बैठते हो वहाँ बैठ जाओ। और मैं इस चीज़ की 100% गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपने वीडियो देख ली तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, एमसीक्यू भी सॉल्व कर जाओगे आप लोग। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। बहुत अच्छा चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी रोचक है, ठीक है। तो और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका इंग्लिश वीक है, अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हो इसका, तो आप हमारी क्लासेस ले सकते हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ 249 में है। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस, स्पेशल नोट्स मिल जाएंगे, और जो प्रीवियस ईयर के पीडीएफ मिल जाएगा आपको, और मंथली और वीकली टेस्ट भी कराते हैं हम। और ये ऑफ़र सिर्फ 15 दिनों के लिए, तो फटाफट इस नंबर पे व्हाट्सअप करें या फिर कॉल कर सकते हैं, फटाफट करें। इंग्लिश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, फटाफट इस कम्प्लीट कोर्स आपको कराया जाएगा इंग्लिश का। और भी ये सोशियोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप लोग। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इस चैप्टर के बारे में, और चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, बार बार क्या बताना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट इसका हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ, इसका मतलब है एक चुटकी सूंघनी। क्या है, एक चुटकी सूंघनी, यहीं से मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, और मैं आपको ना पूरा हिंदी बताते चलूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके, क्योंकि जो बिहार बोर्ड में बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश ना, ऐसा कहा जाता है, बहुत वीक होती है, ठीक है। और ऐसा है भी, क्योंकि बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर इंग्लिश वीक है हमारी, तो मैं आपका अब यहाँ से जो वीक पॉइंट है ना, उसी को पकड़ूंगा और ख़त्म कर दूंगा। तो ये क्या है, मैं पहले इंग्लिश पढ़ देता हूँ फिर हिंदी पढ़ूंगा। अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी, इस वेरी इंटरेस्टिंग। क्या है, इस वेरी इंटरेस्टिंग, इसका मतलब है कि बहुत रोचक है। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है, रोचक, और इंटरटेनिंग स्टोरी, और मनोरंजक कहानी। इसकी पूरी हिंदी यही होगी कि जो अ पिंच ऑफ स्नफ बहुत ही रोचक और मनोरंजक कहानी है, जिसे लिखा किसने है, नाम यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इसे खैर मैं आगे बताता हूँ। तो विच हैज़ बीन रिटन बाय अ वेल नोन नॉलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर मनोहर। क्या लिखा है, मनोहर, यहीं से आप निकाल लेना क्वेश्चन। तो इनका जो नाम है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा, कौन है, क्या नाम है इनके, राइटर कौन है, मनोहर, मनोहर मालगांवकर, ठीक है, माल कमांकर, ठीक है, नाम याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर यहीं से निकाल सकते हो आप लोग, एमसीक्यू में निकल जाएगा यहाँ से। और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इंटरटेनिंग है स्टोरी। और इसको लिया कहाँ से गया है, अब ये जानते हैं हम। तो इस कहानी को ना, एक स्टोरी और थी पहले कि मतलब जो अभी इस कहानी को यहाँ से लिया गया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना लेना आप लोग कि अ पिंच ऑफ स्नफ इज टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में पहले लिखी हुई थी, यहाँ से लिया गया है इसको, ठीक है, इसकी हिंदी यही होगी, टेकन करा गया है, लिया गया है, तो ये चीज़ याद रखना आप लोग। तो ये इसको ना बोल्ड में लिख लेना आप लोग, या नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको पता होगा पूरी तरह से यहाँ से लिया गया, जो अपने काशकार थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, इन्होंने करा है। तो जो प्रेजेंट स्टोरी जो हम जो पढ़ रहे हैं, आप पिंच ऑफ स्नफ, यहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी, यहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, तो एक मार्क्स में ये भी चुरा लो क्वेश्चन, यहाँ से एमसीक्यू में निकाल लो। एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, या तो राइटर पूछ लेंगे, या तो कहाँ से लिया गया ये पूछ लेंगे। वैसे मैं एमसीक्यू कराऊंगा आगे, तो एमसीक्यू में आपको सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये कह रहे हैं आगे जाके कि जो, अब देखो इतना तो हमने पढ़ लिया, अब आगे भी तो है ना, तो इसमें क्या कहा जा रहा है। तो अब जो पढ़ रहे हैं स्टोरी, तो दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड द एडवेंचर। इसका मतलब है कि जो कहानी है ना, पूरी तरह से क्या है, बुद्धि और रोमांच से भरा है। मतलब कि आपको पता है, बुद्धि और रोमांच, एडवेंचर मतलब क्या होता है पता है, रोमांचिक चीज़ें होती है, तो एडवेंचर है, तो इससे भरा हुआ है। और ये कहानी क्या है, ये दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ मिशन। क्या है, अबाउट अ मिशन, तो आपको पता होगा कि जो मिशन है उसके ऊपर है, तो ये कहानी एक मिशन के बारे में है। किसके ऊपर है, एक मिशन के बारे में है। विच हैज़ द कंप्लीट बाय अ फनी मैन, और जिसका नेम क्या है, नानू काका।
इनके द्वारा कंप्लीट करा गया है। तो क्या है, ये कहानी बुद्धि और रोमांस से भरा है, ये चीज़ आपने लाइन कर ली। और एक कहानी एक मिशन के बारे में है जिसे एक मजाकिया आदमी ने करा है, जिनका नाम क्या है, नानू काका के द्वारा किया गया है। ठीक है, इतना याद हुआ आपको। और इसी कहानी में, इन दिस स्टोरी, मतलब कि जो इस कहानी में लेखक द राइटर एक्सप्लेन करता है किसके बारे में, द कैरेक्टर ऑफ हिज मैटरनल अंकल, जो मैटरनल अंकल होते हैं और नानू काका हु ऑलवेज टेल अ लाई, तो उनके बारे में। लाई का मतलब होता है झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको हिंदी बताते जा रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके। तो इसमें बताया जा रहा है, इस कहानी में लेखक ने अपने मामा, क्या होता है मैटरनल अंकल, मतलब कि मामा होता है ना, मतलब मम्मी की साइड से जो मम्मी के भाई होते हैं वो, तो कि इसमें उनके कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, जो कि हमेशा क्या करते हैं, जो झूठ बोलते हैं हमेशा, टेल अ लाई, तो हु ऑलवेज टेल अ लाई, मतलब कि हमेशा झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना, यहाँ से सारे क्वेश्चन बनते हैं। और नानू काका याद रखना, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो MCQ में यहाँ फटाफट निकालो, अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब देखो, आगे कह रहे हैं कि जो नानू काका हैं, अराइव्स एट द हाउस, कि मतलब जो नानू काका हैं, नानू काका जो, मतलब जो राइटर है उनके घर आते हैं। ऑथर मतलब क्या होता है, राइटर ही होता है ना, तो राइटर के घर आते हैं, लेखक के घर आते हैं, कहाँ पे आते हैं, और हु इज़ एंड द अंडर सेक्रेटरी ऑन द प्रोबेशन अंडर द मिनिस्टर, क्या है प्रोबेशन ऑफ अंडर द मिनिस्टर, इसका मतलब है कि नानू काका भी मैंने बताया ना, जो क्या है, काका कह रहे हैं जो मम्मी के भाई हैं उनके, राइटर के। ठीक है, तो जो मंत्री के या परिवीक्षा के घर में अवर सचिव हैं। ठीक है, और लेखक मतलब कि द ऑथर डज नॉट लाइक द नानू काका, और जो लेखक हैं तो उनको पसंद नहीं करते, नानू काका को पसंद नहीं करते। अब पता नहीं इनका कुछ पर्सनल रीज़न होगा, मैं आगे बताऊंगा। तो अब यहाँ पे आते हैं और पूरी तरह से पसंद तो नहीं करते जो ऑथर हैं। और नानू काका हैड कम टू द ऑथर्स हाउस टू मीट अ मिनिस्टर, तो अब नानू काका आते हैं और लेखक के जो घर, मतलब ऑथर के घर आते हैं, और घर के जो मंत्रियों से उनके लिए मिलने आए थे, उनसे मिलने आए थे। ठीक है, तो अब आए ना, तो नानू काका हैड कम टू द ऑथर्स हाउस टू मीट अ मिनिस्टर, कि मतलब एक मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे, तो ऐसा कह रहे हैं। ओके, ऐसा लिखा जा रहा है। और आगे कह रहे हैं कि जो नानू काका हैं, नानू काका वॉज टू मीट द मिनिस्टर विद इन 3 days, कि मतलब जो नानू काका को 3 दिन के अंदर मंत्री से मिलना था, तो अब जाहिर सी बात है 3 दिन के अंदर मिलना था मंत्री से। और इसके बारे में क्या, जो ऑथर होते हैं, तो दी ऑथर डिड नॉट हैव द इनफ एक्सेस टू मीट नानू काका विद द मिनिस्टर, कि मतलब कि जो अब वो है ऑथर है, ऑथर के बारे में बताया ना, जो ऑथर है वो पहले पढ़ा था मैंने, तो अब कह रहे हैं कि लेखक के पास इतनी पहुंच तो है नहीं कि वह मंत्री के नानू काका को मिला दे, बिल्कुल भी नहीं है उतनी ज़्यादा, मतलब एक्सेस नहीं है, तो मतलब उनकी जान पहचान नहीं है इतनी ज़्यादा कि नानू काका से मिलवा दे। और द ऑथर्स हाउस वॉज इन दिल्ली, जो ऑथर का हाउस मतलब घर कहाँ है, दिल्ली में है, तो जो ऑथर है उनका घर कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो ये क्वेश्चन भी बनता रहता है, ऑथर होम, ये क्वेश्चन भी यहाँ से निकाल सकते हो आप लोग, नानू काका के ऊपर निकाल सकते हो, किस लिए आए थे नानू काका, ये निकाल सकते हो। तो 4-5 क्वेश्चन तो यहीं बन जाएंगे आपके MCQ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बनाने हैं खुद ही, ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब आगे करते हैं बात। तो अब जो नानू काका हैं, जो अंकल हैं उनके, तो नानू काका मेड अ प्लान टू मीट द मिनिस्टर, कि मतलब जो नानू काका है, अब क्या करते हैं, ये प्लान बनाते हैं किसके लिए, मंत्री से मिलने के लिए। तो नानू काका क्या कर रहे हैं, मंत्री से मिलने के लिए एक प्लान बना रहे हैं। और उसने एक रॉयल कार को भाड़े पर लेकर, लेखक को ड्राइवर बनाकर, ठीक है, कैसे के लिए, तो ही हायर्ड अ रॉयल कार, मतलब भाड़े पे कार ले ली, एंड मेड द राइटर अ ड्राइवर एंड वेंट टू मीट द मिनिस्टर, कि मतलब कि अब देखो, एक भाड़े पे कार ले ली, बहुत बड़ी कार ले ली, रॉयल कार मतलब लग्जरी कार ले ली, और जो लेखक था उनको ड्राइवर बना दिया, और मंत्री से मिलने के लिए चल दिए। और वेन नानू काका रीच द मिनिस्टर्स हाउस, अब जब नानू काका पहुँचते हैं, कहाँ पे पहुँचते हैं, उनके घर के पास, तो मंत्री वहाँ पे नहीं होता, तो द मिनिस्टर वॉज नॉट देयर। तो मतलब कहने का मतलब, प्लान बना लिया तुमने, यहाँ से निकल गए, अब वहाँ घर पहुँचे तो मंत्री था ही नहीं, तो ये प्लान क्या, फ्लॉप हो गया, प्लान तो फ्लॉप हो गया ना। अब तुमने प्लान बना लिया, एक रॉयल कार ले ली, अब तुमने राइटर को ड्राइवर बना दिया, ठीक है, अब वो तुम पहुँचे वहाँ पे, तो वहाँ पे था ही नहीं, तो पोपट हो गया इनका। ठीक है, तो इतना समझे। अब देखो क्या कह रहे हैं, तो नानू काका टोल्ड द मिनिस्टर सेक्रेटरी दैट आई एम द हेरिडिटरी पंडित और ऑफ अ प्रिंसली स्टेट नेनोर। तो ये कह रहे हैं कि जो नानू काका, अब देखो, अब सेक्रेटरी से कहा इन्होंने, कि नानू काका ने मंत्री के जो सेक्रेटरी था उससे कहा कि मैं ना नाइनोर के राज्य का अनुवंशित पुरोहित हूँ, मतलब पुरोहित समझते हो, जो अब पता क्या होता है, जो पंडित होते हैं वो पूजा पाठ मतलब कि भविष्यवाणी जो देखते हैं, तो पुरोहित हूँ मतलब ज्योतिष हूँ मैं। और उसके बाद क्या बोला, तो ऐसा बोला इन्होंने, और आफ्टर दैट नानू काका गेव द एड्रेस ऑफ द ऑथर्स हाउस एंड कैम
टू द ऑथर्स हाउस। तो अब देखो ये सब चीज़ बोल दिया उन्होंने, और उसके बाद क्या करा नानू काका ने, लेखक के घर का पता दे दिया, मतलब जो ऑथर है ना उनके घर का पता दे दिया पूरी तरह से, और लेखक के घर आ गए और फिर से घर वापस आ गए। ठीक है, घर से वापस आ गए। और द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग द राइटर वाज ड्रिंकिंग टी, मतलब कि अगले जो राइटर हैं वो क्या कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे टी, मतलब चाय पी रहे थे, ड्रिंक मतलब वो वाला ड्रिंक नहीं, चाय पी रहे थे। ठीक है, चाय पी रहे थे अगले मॉर्निंग सुबह। और व्हेन द मिनिस्टर्स कार केम टू हॉल्ट एट द राइटर डोर, कि मतलब कि अब देखो जो मिनिस्टर है, मतलब प्लान तो काम आ गया इनका, जो प्लान बनाया था नानू काका ने वो काम आ गया पूरी तरह से। तो इतने में मंत्री की गाड़ी आती है, अब चाय वाय पी रहे थे तो मंत्री की गाड़ी आती है और दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है, किसके, जो राइटर है। ठीक है, जो राइटर के पास खड़ी हो जाती है दरवाजे के पास, क्या किसकी कार, मिनिस्टर की कार। तो ये आ जाते हैं, तो इनका प्लान देख रहे हो, प्लान कितना अच्छा बनाया नानू काका ने, तो प्लान बनाया और मिनिस्टर आ भी गया। ठीक है, कुछ भी बोल के अब मिनिस्टर आ गया यहाँ पे, तो नानू काका मीट द वेलफेयर मिनिस्टर। अब क्या करते हैं, जो मिनिस्टर है नानू काका, जो मिनिस्टर था वेलफेयर मतलब होता है कल्याणकारी मंत्री, तो कल्याणकारी मंत्री से मिलता है, जो कल्याणकारी होते हैं ना वेलफेयर स्टेट जो होते हैं, तो अब यहाँ पे मिला इससे, मिनिस्टर से मिल गया यहाँ पे। और नानू काका लेफ्ट द फ्लोइंग डे, और तो कहते हैं कि अब देखो अगले दिन निकल जाते हैं, और फिर अगले दिन निकल जाते हैं भेंट करते मिलके, और नानू काका का मिशन पूरा हो जाता है। तो अब जो हो गया फ्लोइंग डे दे, और नानू काका का मिशन इज़ कम्प्लीट, तो इनका मिशन हो गया क्या, कम्प्लीट हो गया मिशन। तो देख रहे हो इनका मिशन कैसे बना था। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसे मिशन ना बहुत अच्छे लगते हैं, और इन्होंने मिशन बनाया कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं, तो मैंने पीछे पढ़ा है कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू, तो मतलब कैसे, सी सब मिनिस्टर मतलब क्यों आए थे, तो मिनिस्टर से मिलने आए थे, ये क्वेश्चन बन सकता है, और काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। और फ्री द नानू काका तो कौन था, मतलब किटन था पूरी तरह से, तो ये सब चीज़ें बनाते रहना। और राइटर बता दे कमेंट करके, राइटर बताओ फटाफट अभी बताओ, अभी वीडियो पीछे जाके मत देखना, राइटर का नाम बताओ आप लोग कमेंट करके। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में प्लीज़, आपका जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें शेयर करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, और जितने भी रिलेटिव्स हैं उनमें शेयर करो, व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप होगा आपका, इंस्टाग्राम ग्रुप होगा उसमें शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चों को देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि आप मेरी भी हेल्प कर रहे हो और अपनी भी हेल्प कर रहे हो। ठीक है, और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखा होगा आपने, क्योंकि यहाँ तक आए हो आप लोग, और भविष्य में आप लोग बहुत आगे जाने वाले हो, ऑफिसर बनोगे आप लोग, ये मेरी दुआ है आपके साथ। ठीक है,